सबसे पहला सवाल आवेश तिवारी जी से ही करेंगे, क्योंकि वहां की जमीनी रिपोर्ट के बारे में आवेश तिवारी बताएंगे। आवेश जी, आप मेरे को बताएं कि वहां क्या स्थिति है अभी रायपुर के अंदर। देखिए, आपने खुद ही बातों बातों में कह दी बात कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। मैं जब देखता हूं यहाँ की पूरी राजनीति को और भाजपा और कांग्रेस कैसे काम कर रही है यहाँ पे, तो दरअसल ये देश से अलग है। शेष देश को आप अलग खाने में रखिए, छत्तीसगढ़ को अलग खाने में रखिए। आवेश जी, एक मिनट रुक जाइए। आवेश तिवारी जी आ गए हमारे यहाँ पे पीटीआई से रायपुर से ही, उनका स्वागत है। आवेश जी आपका भी, और हम कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं जी। अब आप बोले आवेश जी। जी देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसका मुकाबला होने जा रहा है मोदी के हिंदुत्व से। बहुत खुल करके साफ बात कहें, यहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत कम है, मुस्लिम कम है, थोड़ी बहुत क्रिश्चियंस की आबादी है। तो एक बात तो सच है कि यहाँ पे भूपेश बघेल वर्सेस मोदी होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी से भिड़ने जा रही है। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, जिस तरह से अभी 21 टिकट घोषित किए गए भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरे के पूरे केंद्र ने तय किए। कहीं से भी इसमें अगर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की कोई भूमिका रही हो तो वो दूर दूर तक नहीं दिखती। बीजेपी में बड़ा संतोष है इस टिकट वितरण को लेकर के जो हुआ है हाल फिलहाल में। तो एक बात तो साफ है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं की, जिनमें डॉक्टर रमन सिंह है, ब्रिजमोहन अग्रवाल है, अजय चंद्राकर, बड़े नाम के नेता हैं, उनकी लगातार अनदेखी कर रहे हैं। एक चीज अभी आपने एक जिक्र किया, आपने कहा कि एक बंदूकों से एक हिस्से जी, आपके यहाँ शायद टेलीविजन चल रहा है, उसकी साउंड आ रही है, उसको बंद करिए। नहीं नहीं, टेलीविजन की साउंड हमारे यहाँ नहीं है, टेलीविजन बंद है हमारे यहाँ, टेलीविजन नहीं चल रहा है। क्योंकि मेरी आवाज क्या गुज रही है क्या? हाँ हाँ, अब ठीक, थोड़ा सा ठीक। नहीं कहिए तो मैं अपना हेडफोन बंद कर दूं, हेडफोन की आवाज आ रही होगी। यस, इको हो रहा है। एक सेकंड, मैं अपने हेडफोन को ही बंद कर देता हूं, तो शायद उसकी वजह से ये आवाज आ रही होगी, तो वो बंद हो जाएगा। तब हम डायरेक्ट से बात करेंगे। एक सेकंड आप साफ आ रही है? हाँ, बेटर है, बेटर आ रही होगी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि बेटर आ रही होगी। एक सेकंड बस, अब साफ आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ जो है, ये कहना कि बंदूकों के दम पर यहाँ पर एक हिस्से की सरकार, वो जमाना लद गया। अब छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के नाम से लोग नहीं जानते। मैं उत्तर प्रदेश का मूल रूप में रहने वाला हूँ, पिछले 15-20 वर्षों से हूँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब देश दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलिज्म की नहीं रही। एक चीज, चुनाव में छत्तीसगढ़ जा रहा है, और अभी एबीपी का सर्वे आया है कि 54-55 सीट दिखा रही है एबीपी, सर्वाधिक सज्जन लोग हैं छत्तीसगढ़ के, यह मानना चाहिए। बहुत सीधे साधे लोग, भले वो किसी पार्टी के हो, छत्तीसगढ़ में मैं कहता हूं कि सत्ता इतनी सुगम है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में भले भाजपा हो भले कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री ऐसा है कि आप मुख्यमंत्री को फोन मिलाए कोई आम आदमी, तो हो सकता है मुख्यमंत्री खुद फोन उठाकर बोले हाँ बोलिए। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के विधायकों से, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी से सबसे मिलना सुगम है, आसान है। तो एक ऐसा राज्य है ये। एक बात बिल्कुल तय है, भाजपा जिस नफरत की राजनीति से 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, जिस नफरत की राजनीति से कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान को घुमाने की कोशिश की जा रही है, वो नफरत की राजनीति यहाँ कतई नहीं चलने वाली है। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब शपथ ली यहाँ पे 2018 में, जो 4.5 साल में सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये हुआ है
कि छत्तीसगढ़िया बात, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति वो ज्यादा मजबूती के साथ पड़ी है। जो भाजपा का सपोर्टर है वो अभी छत्तीसगढ़ियावाद को मानता है, जो भाजपा का सपोर्टर है वो अभी चाहता है कि छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी संस्कृति आगे बढ़े। तो भाई वह एक किसान नेता को, एक पिछड़ों के नेता को, भूपेश बघेल को वो कैसे छोड़ेगा? वो जान रहा है कि ये व्यक्ति कम से कम कुछ करे ना करे हमारे जो छत्तीसगढ़ की ग्लोरी है, छत्तीसगढ़ का जो सम्मान है उसको बचा कर रखेगा, और वह दिखने लगा है। और दूसरी चीज, आज जिस तरह छापेमारी हुई उनके ओएसडी की यहाँ, मुख्यमंत्री के विनोद वर्मा जी की यहाँ, यह बिल्कुल साफ है कि पूरी तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। आपको बताओ, अभी मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने नाम नहीं छापने को, नाम नहीं कहने को कहा, लेकिन वो साफ बोले यह काम ठीक नहीं किया, हम लोगों ने कहीं से नहीं कहा था, ना तो जो प्रभारी ओम माथुर है उनको भी कहा था कि ये सब चीजें मत करवाइए, उल्टा उल्टा पड़ जाएगा हम लोगों पे। आप देखते जाइए जिस तरह से अभी मैं विनोद वर्मा जी के घर से आ रहा, जिस तरह वहां भारी भीड़ लगी हुई है, जिस तरह से लोग उत्पेलित है, आप देखिएगा किस तरह की छापेमारी। संजय मिश्रा का छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल बीजेपी को बहुत महंगा होने पड़ने जा रहा है। आवेश तिवारी जी, आप मुझको ये बताएं, जो अगर हम रीजन वाइज अगर चीजों को ले लें, क्योंकि प्रदीप सौरभ ने बड़ी आदिवासियों की बात की, और फिर मैं संजीव पे आता हूँ, क्योंकि हम टोटेलिटी में बात कर रहे हैं स्टेट की, तो एक घंटे में हम कोशिश करें कि अपने दर्शकों को ये समझा सकें कि वहाँ रीजन वाइज क्या हो रहा है। आप मेरे को ये बताएं, महासमंद, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, दलित दजारा और बस्तर का जो पूरा सेगमेंट अगर हम देखें, तो इसमें क्या स्थिति नजर आ रही है? तिवारी जी माइक थोड़ा सा म्यूट करेंगे आप। पहली बात तो ये कहेंगे कि मौसमी पर्यटन की से छत्तीसगढ़ को समझना बहुत मुश्किल काम है कि आप पर्यटन करने आइए और छत्तीसगढ़ को समझ लीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसी संकीर्ण राजनीति जो जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश बिहार में है वह कभी नहीं रही। यहाँ पर अलग अलग समाज और समूहों के अपनी शक्ति रही है, अपने पावर रहे, अपनी ताकत रही है। सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पर आदिवासियों की अपनी अस्मिता का है। और प्रदीप भाई एक बात कह रहे थे कि कुछ आदिवासी जनजातियों को उनकी जनजाति से बाहर कर दिया गया, बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है ये, कि दरअसल बात ये नहीं है कि बाहर कर दिया गया, हुआ ये कि मान लीजिए कि खरवार आदिवासी जाति है, तो खरवार, खैरवार, खैरवार, तो इंग्लिश में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जब आजादी के समय से ही तमाम जातियां ऐसी हैं जिनको मात्रात्मक अशुद्धियों की वजह से आरक्षण से वंचित होना पड़ा। तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं तमाम राज्यों में ये होता है, वो लगातार केंद्र सरकार से गुजारिश करती है कि इस जाति को भी आप मान्यता दे दीजिए, क्योंकि तो देखिए इसका नाम छूट गया था, तो फिर वो गजट करना एक बड़ी प्रक्रिया होती है। तो ये चीजें हो रही है, लगातार जातियों को मान्यता मिलती है, लेकिन आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में जो 29 सीटें हैं 90 में से, समूचे बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं जिनमें से 11 आरक्षित हैं। और यह सच्चाई है कि उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार, आप पिछले 2-3 चुनाव, 4 चुनाव देखिए, कांग्रेस की हमेशा बढ़त रहती है। बिलासपुर संभाग में, सॉरी सरगुजा संभाग में, वहां पर भी मुझे मालूम है कि करीब 15 में से 14 या 9 कितनी हैं, 15 में से 9 सीटों के आसपास जो हैं वो भी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तो बिलासपुर संभाग, सॉरी सरगुजा संभाग में भी बड़ा मसला जो है वो आदिवासियों के लिए जो बुनियादी हक का सवाल है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, और कोई भी पार्टी की सरकार हो वो सबसे पहले आदिवासी मतों को अपनी ओर करने की कोशिश करती है। यह सच्चाई है कि फिलहाल बस्तर में, जैसे अभी नारायणपुर में बड़ी घटना घटी, आप लोगों को याद होगा कि चर्च जला दिया गया था, वहां पे धर्मांतरण का मुद्दा बहुत गरमाया था,
सरगुजा संभाग में जशपुर में वहां पे बड़े पैमाने पर घर वापसी कराई गई ईसाइयों की। तो है क्या अंदर से भीतर से जो समूचा आदिवासी समाज वो उद्वेलित है, वो ऐसी उत्तेजना जो दिखाई दे रही है वो आज की नहीं है, वो पिछले कई सालों से आ रही है। लेकिन यह सच्चाई है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को अपने हक के मुद्दे पर बोलने कहने सुनने का ज्यादा अधिकार मिला है। अब वो दौर खत्म हो गया जो कल्लूरी का दौर हुआ करता था कि आदिवासी आवाज उठाता था इनकाउंटर में मारा जाता था, भले वो बस्तर में मारा जाए, भले वो मीना खल को मारी जाए, सरगुजा में मारी जाए। अब कम से कम ये नहीं होता कि आपने सिलगेर में देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं हो इंटेलिजेंस में की के जो आउटपुट थे, वहां पे कुछ आदिवासियों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। जो आंदोलन चल रहा था आज तक चल रहा है वो नहीं रुका, और न तो भूपेश सरकार उसको रुकने की कोशिश कर सकती है। यह भी सच है, एक दूसरा सच, कि शहरी इलाकों में इस सरकार ने कम काम किया है अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों में। यह बिल्कुल सच्चाई है कि शहर के लोग अभी भी आपको भूपेश बघेल जी से थोड़े नाराज दिखेंगे, उनको ये लगेगा कि नहीं शहर की ओर कम काम किए गए। यह सच्चाई है, भूपेश जी खुद स्वीकार भी करते हैं कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत करने की कोशिश की क्योंकि हमें लगा कि गांवों से तिवारी जी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं ना गवर्नेंस का छात्र हूँ और मैं एक मैगजीन निकालता हूँ जी प्राइस, जो आईएएस अफसरों की मैगजीन है और आईपीएस अफसरों की। मैं बड़ा पीड़ित हूँ क्योंकि मैं अभी घूम करके आया हूँ बहुत बड़ा इलाका इस देश का और मैं लगातार यात्रा पे हूँ। आपको लगता है कि पैसे की कमी ना होने के बावजूद, मैं 2020 जनवरी में रायपुर में था, उसके बाद तो अभी गया नहीं, 3 साल हो गए, मैंने पूरा रायपुर खुदा हुआ देखा, सिविक एमिनिटीज की कमी देखी, नया रायपुर भी देखा, वो भी बिल्कुल धूल धसले थोड़ा हुआ, पान की पीके लगातार देखी, जगदलपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है, यही हाल दुर्ग का है, यही हाल भिलाई तो छोड़ दीजिए, भिलाई तो बिल्कुल दूसरी तरह का शहर है, यही हाल दली वगैरह का है। आपको लग रहा है ये सारे के सारे नेता, चाहे वो बघेल साहब हो चाहे बीजेपी के हो, ये सिंसियर है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति? जो शहरों का हाल है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पैसे इनके पास भंडार में है, ये जाति धर्म आदमी को आदमी से बांटने में लगे। आप इतनी देर से तारीफ कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, शायद गवर्नेंस में कमी है या कुछ और। आप मेरे को बताएं कि हुआ क्या है, वो रायपुर मतलब त्यागी जी ये बात बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जाति के चश्मे से छत्तीसगढ़ को मत देखिए, धर्म के चश्मे से छत्तीसगढ़ को मत देखिए, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पे जानती है भाजपा इस बात को कि यहाँ पे धर्म की राजनीति करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये भाजपा को पता है, ये कांग्रेस को भी पता है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज जरूर होती है, जैसे आप राजधानी रायपुर में आएंगे तो आपको शहर के बीचों बीच एक हवाई पथ दिखाई देगा लंबे, आपने देखा होगा प्रदीप भाई रायपुर में, वो पैदल चलने वालों के लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करके बना दिया गया। अब है क्या, भूपेश बघेल चाहते तो उसमें कोई नया प्रयोग कर सकते थे, उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं प्रदीप भाई की आवाज नहीं आ रही है। आवाज हाँ, वो पैदल पथ जो बना है भारतीय कांग्रेस के लोग कहते हैं ये, इसलिए इसको नहीं रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के ये समाधि स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं प्रदीप भाई। तो दरअसल है क्या कि एक दूसरे के भ्रष्ट, एक चीज अनिल जी बताऊं आपको, जो ये जोड़ना चाहूंगा माइक ऑन करके, कि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर पत्रकार उत्पीड़न के तमाम मामलों के बावजूद पत्रकारों ने सरकार से कहा कि आप पत्रकार उत्पीड़न के विरुद्ध एक वो बनाइए, क्या नाम है, कि बिल पास करिए, और उसी सरकार से क्या नाम है उसका भैया, क्या बताएंगे संजीव जी, पत्रकार नाम भूल रहा हूँ, वो बिल पास भी हो गया विधानसभा से, समझ रहे हैं, माने पत्रकार कौन, हाँ पत्रकार सुरक्षा कानून,
पत्रकारों ने उसी सरकार से सुरक्षा मांगी और उसको पारित भी करवाया। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई वकील तो नहीं मांगता, डॉक्टर तो नहीं मांगता, और पत्रकार उसी सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं जो सरकार जो सत्ता उत्पीड़न करती है। तो ये कहां का न्याय है? तो एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का, उसके कई पन्ने हैं। और कभी भी जर्नलिज्म को देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जर्नलिज्म में कोई छोटा बड़ा सीनियर जूनियर मैं नहीं मानता, कोई दोस्त भी नहीं होता। अगर पत्रकार पत्रकार का दोस्त हो जाएगा तो वो अपनी बातें क्यों बताएगा भाई, बड़ी सी अपनी खबरें कैसे लिखेगा। तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म संजीव जी, एक छोटी सी बात यह सच है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जो अब तक आप लोगों ने, प्रदीप भाई आप भी सुनिएगा प्लीज जी। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो पत्रकारों के बड़े प्रगाढ़ मित्र थे, और भूपेश बघेल अगर मुख्यमंत्री ना होते तो शायद पत्रकार होते, ये बात भी सच है। तो है क्या कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकारों को लगा कि अब हम भी मुख्यमंत्री हो गए? तो भूपेश बघेल की राजनीति अलग, पत्रकारों की राजनीति अलग, संजीव जी गवाह है, ऐसे ऐसे काम हुए हैं, ऐसे ऐसे खेल हुए हैं कि वो पूरा कभी लिखा जाए अगर भूपेश बघेल जी अभी मुख्यमंत्री है, इसलिए वो लिखने लायक कहानी है। और दूसरी बात, यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भाजपा की सरकार थी पत्रकारों के सर्वाधिक उत्पीड़न, मैं मुकदमा झेल रहा हूं, मैं बीजेपी के द्वारा, कल मेरी तारीख है, कल जगदलपुर बस्तर में मुझे तारीख पे जाना है। अब आप बताइए हम बीजेपी की सत्ता का गुणगान करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पत्रकारों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ की राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं, ये भी राजनीति का हिस्सा है। देखिए ये भी आप क्यों ये सोच रहे हैं कि पत्रकारों के उत्पीड़न, पत्रकारों की बातें राजनीति से इतर होंगी? बिल्कुल राजनीति का हिस्सा है ये। उस पे अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा कि भूपेश बघेल और पत्रकार नाम के विषय पे करेंगे। अभी मैं तिवारी जी ये जानना चाहता हूँ आपसे, नटशल में जो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का जो स्वरूप वहां निकल करके आ रहा है रायपुर में, उसमें किसका एज, किसकी बढ़त दिखाई देती है या किसका संघर्ष दिखाई देता है दोनों के बीच में, क्या कश्मकश है? देखिए कश्मकश सिर्फ ये है, बहुत साफ बोलूं, छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 वर्षों से के दौरान ऐसा हुआ, 3 सालों से ऐसा चल रहा है, 2020 के बाद देखिए पूरी तरह से केंद्र ने, केंद्रीय संगठन ने भाजपा के पूरा दारोमदार अपने हाथ में ले लिया। एक के बाद एक तमाम नेता हाशिए पर चले गए। लोकसभा चुनाव में पहले तमाम लोगों के टिकट कटे, जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह भी थे। और दूसरी बात यह हुई कि अच्छी जीत के बाद, आप सोचिए कि विधानसभा में हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी छत्तीसगढ़ में, यह इसको नहीं भूलना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनकी प्रासंगिकता धीमे धीमे कम कर दी गई। स्थिति यह हुई कि आज के तिथि में डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरोज पांडे, ये दोनों के दोनों पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, राम विचार नेता, वो भी एक कैबिनेट में उनको भी बना दिया, लेकिन उनकी पूछ संगठन में, उनका वो अस्तित्व लगातार कमजोर होता चला गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये जानती है, जिस वक्त भूपेश बघेल ने टीएस सिंह देव से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बढ़त हासिल कर ली, और 2.5 साल के बाद टीएस सिंह देव द्वारा फिर से आवाज उठाने के बाद, बावजूद भूपेश बघेल जिस तरह से आगे रहे, यह समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया है कि यहां सरकार चलानी है तो हमको भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलानी पड़ेगी, एक चीज। लेकिन यह भी सच्चाई है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होंगे, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कहीं ना कहीं से गोटी अपने हाथ में रखी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कुमारी शैलजा को यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा गया है, जो कि प्रियंका जी के नहीं, सोनिया जी के बहुत नजदीक है, राहुल के बहुत नजदीक है,
यह भी नहीं भूलना चाहिए आदित्य जी, त्यागी जी, जो बड़े अंदर की बात बता रहा हूं, कि भूपेश बघेल बनिस्पत राहुल और सोनिया के प्रियंका गांधी के ज्यादा नजदीक है। प्रियंका गांधी उनको ज्यादा समझती है और ज्यादा उनका उनके ऊपर हाथ रहता है। तो दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर भले चुनाव कांग्रेस जीते, मुख्यमंत्री का पद डिसाइड करने में आपको खड़गे और राहुल और सोनिया की भूमिका होगी, इस बात को भूपेश बघेल जानते हैं। और चुनौती ये है, असल चुनौती ये है कि साधेगा कैसे, चुनाव के बाद अगर जीत भी जाए तो ये कैसे सधेगा। और चुनाव के बाद आप देखते रहिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार नेतृत्व की लड़ाई छत्तीसगढ़ में फिर से होगी। इस चीज को आप, ये राजनीति है, राजनीति ये नहीं है कि भाजपा जैसे कितनी सीटों से जीतेगी। मैं जानता हूं, मुझे मेरे पास इस वक्त में 5-7 सर्वे के रिजल्ट हैं और जमीन की हकीकत है, यह पता है कि कांग्रेस एज की एज रहेगी, ये साफ है। लेकिन नेतृत्व का संकट जरूर रहेगा, उसको लेकर द्वंद जरूर होगा। और आदिवासी जो नेता हैं, उनकी हकदारी का सवाल, फिर से कह रहा हूं, वो सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण है, वह बना रहेगा। तिवारी जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक में घोषणा पत्र में केवल एक लाइन कांग्रेस ने लाई कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, कर्नाटक चुनाव जीत गई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में करके देखिए आप, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप घोषणा पत्र में लगा के देखिए, साफ हो जाएगी कांग्रेस वहां पे। तो देखिए, हर प्रदेश यहाँ पर घाट एक एक कोस पे पूरा पानी, यहाँ के लोगों की बोली भाषा बदल जाती है। और छत्तीसगढ़ को इस बात के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है कि यहाँ की तो अलग टाइप की सियासत ही है। आप देश की सियासत से, मैं बार बार देखिए, मैंने कहा शुरुआत में कि आप केवल पर्यटन करने आएंगे और छत्तीसगढ़ को समझ जाएंगे, संभव नहीं है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोग बड़े सरल, बड़े सहज है। आप यकीन मानिए अनिल भाई साहब, प्रदीप भी, आप एक बड़ी जरूरी बात बताएं कि आपके जेब में एक पैसा ना हो, ये सच्चाई बता रहा हूं। आप रायपुर शहर की सब्जी मंडी में चले जाइए, आप एक झोला सब्जी लेंगे और दुकानदार से कहेंगे, भैया पैसा मैं तुमको अगले बुधवार को दूंगा जब दुकान लगाओगे। आप यकीन मानिए, यहाँ का दुकानदार कहेगा ठीक है भैया ले जाओ ना, वो नहीं कहना जानता ही नहीं है। यहाँ के लोग नहीं कहना नहीं जानते, इतने उदार लोगों के बीच में नहीं, आप कहां से नफरत की राजनीति लाओगे भाई। बीजेपी का एजेंडा इसीलिए फेल।